मैंने जामिया से जर्नलिज्म किया एंड उसके तुरंत बाद डीडीएस ज्वाइन कर लिया। तो जॉब पाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ मैंने छात्रों के लिए बहुत काम किया है, मैंने महिलाओं के लिए काम किया है। मेरी माँ सोशल वर्कर हैं तो वो महिलाओं के लिए काम करती हैं। छात्र राजनीति में भी रही तो शिक्षा और क्यों ज़रूरी है शिक्षा, उन सब चीज़ों पर बात की, उन मुद्दों को उठाया। और जो समाज के मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मुझे लगता है उन पर बात करना ज़रूरी है। कई क्षेत्र भी ऐसे हैं जिन्हें जहाँ पर लड़कियों को बहुत कम पढ़ाई के लिए दबाया जाता है, उनको ये मना किया जाता है कि नहीं आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा। ये दुविधा है हमारे देश की कि हम देश की आधी आबादी हैं लेकिन हमारा प्रतिशत शिक्षा में बहुत कम है। गाँव में सूरत और भी ज़्यादा ख़राब है। गाँव में इतना ज़्यादा पर्दा है कि आप दरवाजे पर कोई आए तो पहला दरवाजा नहीं खोलती, वो अंदर से ही बताती है कि वो है या वो नहीं है। ना हम भी पहले यूपी में रहते थे तो वहाँ पर हमारा भी ऐसे ही था, तो मतलब गेट बंद रहता था हमेशा, झांकना है थोड़ा सा विंडो से देख लिया, अदरवाइज नहीं, लड़की को मतलब बाहर भी नहीं जा सकते। तब हम लोग यहाँ से यहाँ पर आए इसीलिए कि हम लोग को वो एक रिजर्व फैमिली थी, तो उससे हम लोग बाहर आए और यहाँ पर हमने अपनी एजुकेशन। आप लोग ये बताइए कि किस किस तरह की आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या चाहते हैं, मतलब वहीं से अपनी अपनी सीट से बताइए क्या चाहते हैं, क्या चेंजेस आने चाहिए, किस तरह की मुश्किलें एक लड़की होने के नाते आपको फेस करनी पड़ती हैं। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि अगर उनको बोलो कि अपनी बेटी को पढ़ा तो वो सीधा जवाब देते हैं कि क्या करना है, पढ़ा नहीं, खाना ही करना है। बहुत अजीब लगता है क्योंकि ये सोच बना ली है कि सिर्फ किचन में काम करना, घर में काम करना, कि पढ़ाएंगे भी इसलिए कि उसकी शादी कहीं करानी है। और शादी लास्ट डेस्टिनेशन है जहाँ तक एक लड़की को पहुँचना है। लड़के के लिए डेस्टिनेशन अलग है कि वो IAS बनेगा, वो PCS बनेगा, वो ये बनेगा, वो बनेगा। लड़की को वो सपने भी नहीं देखने दिए जाते हैं बचपन से ही, उसे उसमें ये सोच डाली जाती है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर वो है जहाँ तुम्हारी शादी होके जाएगी, जबकि देखा जाए तो वो घर भी औरत का नहीं है। तलाक के बाद उसका कोई घर नहीं है और इस डर के मारे लड़की हमेशा पति से दबके रहती है, उसे दबके रहना पड़ता है क्योंकि वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। पति तलाक दे देगा तो वो कहाँ जाएगी, इसलिए उसे सारी कमियों को बर्दाश्त करते हुए उसके साथ रहना पड़ता है। तभी कहते हैं जब एजुकेटेड होगी लड़की तो खुद अपना कुछ कर सकती है। आपको एजुकेशन इसीलिए जरूरी है कि आप खुद में वो इंस्टीट्यूशन बने, आप खुद में सशक्त बने, कोई आपको बेजा दबा नहीं सके। मैं भी एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मेरे कज़न मतलब मेरे ताया हैं तो उनकी फैमिली में जो है बोलते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, ये होता है वो होता है, माहौल ख़राब होता है, लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं। तो अभी उनके यहाँ पर उन्होंने वो सोचते थे कि जो लड़की कॉलेज में जाती है उससे शादी नहीं करनी चाहिए, मतलब वो थोड़ा ऐसी थिंकिंग थी। बट जो उनके बेटे ने जो अभी शादी की है वही लड़की एंकर से शादी की है। तो मैंने कहा कि आप किस किस पर अपना जोर लगाओगे, ये हमारा हमारी सोच है कि उनकी ऐसी थिंकिंग है, ये डर बिठाया जाता है कि अगर तुम पढ़ने जाओगी तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, ताकि आप निकलो ही नहीं, आप निकलोगे नहीं, आप गंवा रहोगे, आप किसी ना किसी के बैसाखियों पे रहोगे, आप अपाहिज रहोगे, आपको किसी और का पैसा चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, एक भिखारी वाला जीवन होता है। मैम हमें इतनी एजुकेशन एजुकेशन देते नहीं कि हम अपने अपने पैरों पर खड़े हो सके। अगर हम शादी के बाद अपने पति से पैसे मांगे तो उसकी ताने होते कितने खर्चे क्यों करती हो, इतने खर्चे क्यों करती हो, वो अगर अपना नहीं होता, पेरेंट्स अगर अपना नहीं होता, इतना इस काबिल बने नहीं देते कि हम अपना खुद का घर बना सके, तो करें क्या। इतनी सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों की जिंदगी में इसी के लिए पड़ी है, इसी के लिए पड़ी है, इतनी
इसी के लिए पढ़िए, अच्छी अच्छी नौकरियों में जाइए। कोई लड़की डिग्री भी कर लेती है तो शादी वादी कहते हैं कि पता नहीं वो जॉब करने देंगे या नहीं देंगे, एक ये चीज भी दबाया जाता है उस वाली सिचुएशन। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे खानदान में कोई पढ़ा नहीं है, मैं पहली लड़की हूँ जिसने, मेरे खानदान में सिर्फ सबने 8 पास की थी, लड़कियों ने पास किया। और अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो वो भी ज़्यादा नहीं है। एक मेरे मामू जो सिर्फ इंजीनियर हैं, उनकी भी जब मैंने 12th की थी उनकी सोच ये थी कि नहीं मैं ये नहीं पढ़ी पढ़ेगी और मैं इसे पढ़ने ही नहीं दूंगा आगे। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया और मेरे पापा की भी यही सोच है। सर मेरे पापा से मिले हुए हैं, शायद सर को पता चल गया होगा इतना, क्योंकि सर इतना एक्सपीरियंस है, देख के पता चल जाता है। लेकिन मेरे घर में भी यही है कि क्यों पढ़ने दे रहे हो इसे, मेरे घर में कोई नहीं पढ़ा। मेरी खाला तक यहाँ तक मेरी मम्मी से कहती है कि तुमने मुझे नहीं पढ़ने दिया, अपनी बेटी को कैसे पढ़ने दे रही हो। लेकिन मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं पढ़ूंगी फिर मैं जॉब भी करूँगी, उससे पहले मैं कुछ नहीं करूँगी। आप जब जॉब करेंगी, आप जब किसी अच्छी जॉब में चली जाएंगी, आपकी बेटी होगी या आप उसे बहुत पढ़ाऊंगी? नहीं मैं नहीं रोकूंगी, मैं तो बहुत पढ़ाऊंगी। आप पढ़ाएंगी, आप अपने बेटे को भी पढ़ाएंगी, बेटी को भी पढ़ाएंगी। तो ये तब्दीली कैसे आई आपकी पढ़ाई की वजह से? मैं तो अपनी छोटी बहन को भी बहुत पढ़ने दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं रोकने दूंगी उसको मम्मी से भी। और बल्कि मेरी मम्मी ने उसका जामी में पढ़ती हूँ भी 4th क्लास में, और मेरा भाई भी पढ़ता है, उसने 10th क्लास पास की है। तो मुझे भाई से इतना होनी, क्योंकि मुझे पता है भाई तो किसी तरह मम्मी करवा ही देंगी, लेकिन बहन का ज़्यादा मैटर है। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों को खास तौर पे लड़कों को सही शिक्षा दें। लड़कियाँ, मेरे ख्याल से ये मेरी सोच है कि लड़कियाँ पैदाइशी संस्कारी होती हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप को, अड़ोसी पड़ोसी, ये वो फलाना धमाका सब जो है बेटी को संस्कार सिखाते हैं, बेटी को ऐसे रहना चाहिए, बेटी को वैसे रहना चाहिए, ये सर से दुपट्टा नहीं खिसकना चाहिए, यहाँ वो नहीं दिखना चाहिए, वहाँ वो नहीं दिखना चाहिए। बेटी को कोई संस्कार नहीं सिखाता। मुझे लगता है कि बेटी को संस्कार सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पैदाइशी संस्कारी होती है। संस्कार बेटों को सिखाने चाहिए कि शाम के समय तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़की को ऐसे नहीं देखना चाहिए। लेकिन वहाँ के लोगों की सोच डेवलप नहीं हुई है। यहाँ देख के मेरे जो दादा हैं तो मेरी दादी से ये कहते हैं कि अगर तुम किसी के साथ जाओगी, मतलब अकेली मत जाना घर से बाहर निकलना, या तो मेरे साथ जाना है सिर्फ किसी बेटे के साथ, चाहे बेटा 2 साल का ही हो लेकिन उसके साथ जाना मैं चाहती हूँ। हमारे खानदान में कोई नहीं पढ़ा लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, तो उन्होंने, मेरे दादा ने खूब कहा कि 10वीं क्लास कर लो बस वही काफ़ी। मैं कहीं नहीं, जैमी के अंदर ऐसा भी है कि ओपन से भी पढ़ लो, घर में बैठे थे पेपर देने के लिए चले, तो मेरे साथ आप चलना पेपर दिलवाने के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर कह लगे नहीं तुम जहाँ अटेंड कर रहे हो वहीं से बात कर लो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इतना अच्छा मौका दे रहे हैं अभी आप। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा चलो अब तुमने 12th कर ली है, अब आगे ज़रूरत नहीं है तुम्हें पढ़ने की। तो उन्होंने अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवाई है अल्फला से। तो फिर मैं कह लगी ठीक है, आपने चाचे को तो अल्फला से करवा दिया है, क्या आप मुझे जामिया से भी नहीं पढ़ा सकते? तो मेरे पापा रिक्शा चलाते, मेरे पापा छोड़ने जाएंगे मुझे, पापा ही मुझे लेकर आ जाएंगे वहाँ से, तो मेरी सेफ्टी हो जाएगी। गर्ल्स और वहाँ ज़्यादातर गर्ल्स को ही, मतलब मुस्लिम को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो फिर कह लगे ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ राजी हो गए हम उस टाइम, तो कह रहे हैं हाँ तुम यहाँ तक पढ़ना चाहोगे, अपने पापा एक मम्मी के साथ जाओ और पढ़ो खूब। उन्होंने अब ये मौका दे दिया है मुझे, तो इसलिए मैं अब यहाँ तक आती हूँ। मेरे पापा मुझे यहाँ तक छोड़ देते हैं और फिर जब फ़ोन कर देती हूँ फिर लेने के लिए चले आते हैं। ये भी बहुत बड़ी सुविधा है कि माँ बाप ये बोलते हैं कि हमने अपनी बेटी को पढ़ने का मौका दिया। इतना बड़ा एहसान किया उन्होंने कि उन्होंने आपको पढ़ने का मौका दिया। बेटे पे उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, उसके लिए तो उनका फर्ज था कि उन्होंने उसे पढ़ाना ही था, एजुकेशन भी देना, उसको बनाना ही था, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना, सारा फर्ज होता है, सारा चीज उसको घर में बना कर देना, उसको शादी के बाद भी सपोर्ट करना, हर चीज वो फर्ज है। लेकिन बेटी को उन्होंने एहसान किया, एजुकेशन पढ़ा दिया, उसके बाद पति ये कहता है मैंने तुम्हें काम करने की इजाजत दी है। तो ये उसने इजाजत दे के ये उसने एहसान किया है, पत्नी ने उसे काम करने की इजाजत नहीं दी है, वो तो उसके लिए अंदर है, ऊपर वाले ने दिया था कि उसे तो काम करना ही है। लेकिन बीवी अगर करेगी तो वो पति इजाजत देगा तो करेगी, खुद नहीं करेगी। तो ये भी दो चरित्र हैं, बेटी के लिए कुछ और हैं, बेटे के लिए कुछ और हैं। और ये सब हम ही बदल सकते हैं। हम किसी से अगर कहें कि तुम ऐसा कर रहे हो, वो तो पुरुष प्रधान है, वो उनके अंदर ये है कि उन्हें दबाकर रखना है, तो वो नहीं चाहेंगे कि आप ऊपर बढ़ो, आपको खुद ही बढ़ना होगा। हम किसी से भीख में अपने लिए कुछ नहीं मांग सकते,
हमें छीनना होगा, हमें खुद करना होगा, और वो तभी आप करेंगे जब आप यहाँ से ये आपका डेवलप होगा, आप अच्छी नौकरियों में जाएंगे, आप आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, आपका अपना घर होगा। कोई ये नहीं है कि कोई आपको ये कह दे आज मैंने तुझे छोड़ा, निकल जा घर से बाहर, और आप सड़क पे आ गए। वो चेंजेस खुद लाने होंगे, और लड़कियां ला रही हैं। आज आप देखिए फौज से लेकर हर चीज में लड़कियां जहां जहां उन्हें मौका मिलता है बहुत बेहतर कर रही हैं, और मिसाल कायम कर रही हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया में मिसाल कायम कर रही हैं। कितने राज्य, तो अभी कुछ समय पहले की बात थी कि 4 राज्यों में महिला की ही सरकार थी, मुख्यमंत्री थी, और उन चीजों से भी नहीं डरना है। सबसे ज्यादा जो लड़की को रोकने का तरीका होता है, सबसे सिंपल तरीका होता है, उसके कैरेक्टर पर लांछन लगाना। उन चीजों से नहीं डरना है, आपको खुद को पता होना चाहिए आपका कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने वाला कोई और नहीं है, किसी को अल्लाह पाक ने डेप्यूट नहीं किया है कि तुम उसे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देकर आओ। तो उन चीजों से नहीं डरना है। सबसे पहले इसी चीज से रोका जाता है कि माँ बाप को बोलेंगे अरे तुम्हारी लड़की वहां खड़ी थी और वो तो ऐसी हो गई, आवारा हो गई, फलाना, इस टाइप की बातें, ताकि आपकी शिक्षा रोक दी जाए। कोई नहीं चाहेगा कि आप पढ़ो, आपको खुद चाहना होगा कि आपको पढ़ो।